नमस्कार, मैं रमु सिंह। राहुल गांधी की पहली चुनावी सभा सिंधिया के ग्वालियर में ही क्यों? कांग्रेस नेता राहुल गांधी की पहली चुनावी सभा ग्वालियर में होगी, उम्मीदें जताई जा रही हैं। इस मौके पर बड़ी संख्या में भाजपाई नेताओं का कांग्रेसीकरण होगा। कई भाजपा नेता कांग्रेस की सदस्यता लेंगे। इस मिशन पर कांग्रेस ने अपना काम भी शुरू कर दिया है। राहुल गांधी जुलाई में पहली चुनावी बड़ी सभा ग्वालियर में करके चुनाव प्रचार की शुरुआत करेंगे। सिंधिया को उनके ही घर में घेरने की पूरी कोशिश कर रही है कांग्रेस। 2018 में कांग्रेस सरकार बनने पर सबसे अधिक सीटें ग्वालियर चंबल संभाग से ही कांग्रेस ने जीती थी। दूसरे नंबर पर महाकौशल था। इसलिए कांग्रेस की प्रियंका गांधी ने पहली सभा महाकौशल के जबलपुर में की। ग्वालियर चंबल संभाग में पुराने भाजपाई पार्टी पर टिकट देने का दबाव बना रहे हैं। भाजपा अगर सिंधिया समर्थकों के टिकट काटती है तो सिंधिया समर्थक फिर दल बदल कर सकते हैं। अब सिंधिया समर्थकों को टिकट फिर से दिए जाते हैं तो पुराने भाजपाई अपना राजनीतिक कैरियर, अपना राजनीतिक भविष्य अन्य किसी दल में तलाशते नजर आएंगे। बस राहुल गांधी इस मौके का लाभ उठाने जुलाई में ग्वालियर आ रहे हैं। इसकी तैयारियां भी कांग्रेस द्वारा शुरू कर दी गई हैं और वह भी काफी जोर शोर से।